नजदीक आओ बहन, जल्दी नजदीक आ जाओ बहन। अरे जाना ठटरी बरो को जाना, बस माँ की जाए ठटरी बरो नहीं जाना था। उनके साथ में है, क्या हो गया है, कौन है वो जी, क्या हो गया है? ये माइक चालू है बहन, पहली बार आई हैं? जय। कहाँ रहती हैं आप? उत्तर प्रदेश। वो जयपुर में रहने लगी? कानपुर तो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, कब आए थे यहाँ जयपुर? 5 वर्षों में। नजदीक आओ। सुन्नपन है बहन को, शरीर में दिक्कत है, शिथिल हो गई हैं, कमर के नीचे से दिक्कत है, कमर के नीचे नस में दिक्कत, L5 L3 में ब्लॉकेज हो गया, दोनों कूल्हे बस्ट हो गए हैं, डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया है, पति से क्लेश हुआ था, पति से क्लेश होने के कारण उसने उठा करके फेंक दिया था, जिस कारण से ये दिक्कत हुई, यही है। आराम लगेगा, समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोलो सन्यासी बाबा की। नजदीक माइक रखो, हमने जो बोलने बुरा तो नहीं लगेगा, माइक से बोल देते। पढ़िए। बहुत परेशान, स्वास्थ्य खराब है, शरीर का वजन घट रहा है, वजन घट रहा है, चलने में चक्कर आने लगते हैं, वह शिथिल हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं, आपके पति के ऊपर आपका शक बना है, वह आपको वो किसी अन्य नाम को लेकर के परेशान करते रहते हैं, यही दिक्कत है। अब उस विषय को हम उजागर नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे दोनों पक्ष गलत हैं, सामंजस्य बना रहेगा, उनका क्रोध कम होगा, आशीर्वाद है। भगवान ने चाहा तो सामंजस्य बना रहेगा, थोड़ा सा आप अपनी वाणी पे लगाम करो, बीच में बहुत गलतियां आपने की पूर्व में घर को लेकर के, उनमें गंभीरता रखो, और भगवान ने चाहा तो आपका सुहाग अटल रहेगा, और संगत में तो वो हैं, उनका विचार तो तलाक का है, अलग करने का है, और आपसे भी कई बार कह चुके हैं, और उसी बात को लेकर के लड़ाई भी होती है। माइक माइक ले लो ना आप, उसी बात को लेकर लड़ाई भी होती है। हनुमान जी ने चाहा तो आप कात्यायनी माँ का उपाय करें और आप हमारी बात मानेंगी, वाणी यानी अपनी वाणी बंद रखेंगी, चुप रखेंगी, कम रखेंगी, तो अलग नहीं होंगी, आशीर्वाद। हाँ बहन बिल्कुल आशीर्वाद बहन। मंत्र लिखा है इसमें, जहां समझ में ना आए वहां पूछ लो, या अभी हम बैठे हैं हमसे भी पूछ लेना, क्योंकि बाद में कोई जवाब नहीं देगा आपको, जहाँ बाकी चर्चा बाद में कछु जान की और लग जान दे, खट्टवासी बात तुम समान ना पाओ बहन जी, जा उठो, हाओ खुल्ले जाने बैठे, हाओ हाओ खुल्ले जाना।